ओम नमो नारायण। तो साथियों, आज आपको कदंब के पेड़ के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। भारत में रहने वाले लगभग सभी लोगों को कदंब के पेड़ की जानकारी होगी, क्योंकि जब भी कदंब के पेड़ की बात आती है, भगवान श्री कृष्ण की याद आई जाती है। सनातन हिंदू धर्म में कदंब के पेड़ का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि कदंब का पेड़ भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय था। वह अक्सर इसी पेड़ पर बैठा करते थे, इसलिए इसे देव वृक्ष भी कहते हैं। इसे कदंब के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसकी एक एक कदम की दूरी पर होती हैं या काफी नजदीक स्थित होती हैं। इसकी ऊंचाई 40 से 50 फीट तक होती है। इसके पत्ते थोड़े छोटे और चमकीले होते हैं। वर्षा ऋतु में इस पर फूल आते हैं, जो जंगल के सभी रसभक्षी कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और साथ साथ लंगूर और बंदर भी इसके फूलों को बड़े चाव से खाते हैं। कहा जाता है कि बादलों की गर्जनों से इसके फूल अचानक से खिल उठते हैं। इसके पुष्प आकार में छोटे सफेद रंग के होते हैं, जो सूखने पर भूरे काले रंग के हो जाते हैं, तथा पूरे साल वृक्ष पर लगे रहते हैं। इन्हें हरिद्र भी कहा जाता है। इन फूलों में से इत्र निकाला जाता है और महिलाएं इनसे अपना श्रृंगार करती हैं। माना जाता है कि कदंब के पेड़ पर लगने वाले फल को अगर विवाहिता की गोद में डाला जाए तो उसकी गोद भर जाती है। प्राचीन काल में इसके फूलों से एक प्रकार की मदिरा भी बनती थी, जिसे कादंबरी कहते हैं। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है, जो बहुत ही फायदेमंद है। आमतौर पर कदंब का वृक्ष भारत में ही पाया जाता है। इसके वृक्ष भारत के सभी मैदानी और किसी किसी पहाड़ी भाग में भी पाए जाते हैं। सोहना की अरावली पहाड़ियों में भी कदंब के विशाल वृक्षों को देखा जा सकता है। दोस्तों, थार मरुस्थल के कई भागों में भी यह वृक्ष खोजे गए हैं। 2003 में वैज्ञानिकों द्वारा थार मरुस्थल में एक कदंब के पेड़ के नीचे की मिट्टी का अध्ययन किया गया, तो वैज्ञानिक यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि इस मिट्टी में आर्बेस्कुलर माइक्रोहेंजल फंगल की 15 प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई गई हैं। आपको बता दें कि यह एक ऐसा जीवाणु है जो 46 करोड़ सालों से धरती पर मौजूद है। यह ना तो मृतोपजीवी के रूप में होता है और ना ही परजीवी के रूप में रहता है। यह मात्र विशाल पेड़ों की जड़ों में रहता है। इसका जड़ों से अंतः संबंध का रिश्ता होता है। यह एक ऐसा जीवाणु होता है जो पेड़ की जड़ों के दूर दूर से खनिज और पानी को अवशोषित करके जड़ों के अंदर सेल तक पहुंचा देता है, और बदले में पेड़ इसे इसका भोजन पहुंचाते हैं। पेड़ों की उच्च वृद्धि में यह मुख्य भूमिका अदा करता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक्टोमाइक्रोहेंजा और इंडोमाइक्रोहेंजा। इन प्रकारों की भी कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन इंडोमाइक्रोहेंजा में आने वाली आर्बेस्कुलर माइक्रोहेंजल फंगल पेड़ के लिए सबसे गुणकारी प्रजाति मानी गई है, जो इसी पेड़ के नीचे पाई गई है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में लगभग सभी स्थानों पर यह कदंब का पेड़ अपनी और अपने उच्च श्रेणी के जीवाणुओं की रक्षा करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त मेडिटेशन, ध्यान, योग, प्राणायाम के लिए भी कदंब के वृक्ष के नीचे बैठने से एक अलग तरह का शांत और सुगंधित वातावरण महसूस होता है। प्राचीन वेदों और रचनाओं में भी इसके सुगंधित फूलों का उल्लेख मिलता है। भारत में सुगंधित पुष्पों की सूची में कदंब के पुष्प का विशेष महत्व है। आयुर्वेद में कदंब की चार प्रजातियां हैं, जिनमें धारा कदंब, राज कदंब, धूली कदंब तथा भूमि कदंब के उल्लेख प्राप्त होते हैं। चरक और सुश्रुत आदि प्राचीन ग्रंथों में कई स्थानों पर कदंब का वर्णन मिलता है। दोस्तों, यह भूमि कदंब यानी मित्राग्ना पौर्वी फोलिया ही वो सच्चा कदंब है, जिसे भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा गया, क्योंकि यही पेड़ यमुना किनारे प्राकृतिक रूप से उगते हैं। भारत में कई पेड़ पौधे ऐसे हैं जिन्हें धार्मिक मान्यता अनुसार विशेष महत्व दिया गया। उनमें से यह एक कदंब का पेड़ भी है। अधिकतर लोग इसे इतना ही जानते हैं, इसके फायदे और औषधीय गुण नहीं जानते। इसके फल या फूल ही नहीं, यह पूरा वृक्ष ही स्वास्थ्य के लिए किसी जादू से कम नहीं है। अगर इसके गुणों की बात करें तो इसकी छाल तेज, कड़वी और कसैली होती है। यह विष को निकाल कर घाव को भरने वाली होती है। महर्षि चरक के मतानुसार इसकी छाल सर्पदंश में उपयोगी है। इसके अलावा शरीर में कमजोरी हो तो आप कदंब के फूलों से बने चूर्ण का सेवन प्रतिदिन पानी के साथ करें। इसके नियमित सेवन से शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। यदि आप मुंह के छालों से परेशान हैं तो आप कदंब का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए कदंब के पत्तों और उसके फूल को पानी में अच्छी तरह उबाल लें, और फिर इस पानी के हल्का ठंडा हो जाने पर इससे कुल्ला करें। यह छालों के लिए बहुत लाभकारी होता है। डायबिटीज के रोगियों को कदंब की पत्तियों का सेवन करने की खास तौर पर सलाह दी जाती है। इसका सेवन करने से आपको टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं, जो आपके शरीर में इंसुलिन
के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं और ब्लड शुगर के स्तर को भी सुधारते हैं। इसमें पाए जाने वाले हाइड्रोसाइक्लोन की मात्रा आपके इंसुलिन को कंट्रोल करने में मदद करती है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो कदंब की पत्तियों का उपयोग नियमित तौर पर भी कर सकते हैं। पुराने समय में लोग इसकी छाल का इस्तेमाल घाव को भरने के लिए भी किया करते थे। इसकी छाल में घाव भरने वाले सभी गुण मौजूद होते हैं जो आपके घाव को जल्दी भरने में मदद करते हैं। इसके लिए आप कदंब की पत्तियों और छाल का लेप बनाकर प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। ऐसा करने से 2-3 दिन में ही आपका घाव पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे घाव का निशान भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा सूजन और दर्द के लिए इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में काफी समय से किया जा रहा है। इसके लिए आप इसकी पत्तियों को थोड़ा गर्म करके सूजन या दर्द वाले स्थान पर बांध लें। शोध में पाया गया कि इसकी पत्तियों में एनाल्जेसिक गुण पाए जाते हैं जो पेन किलर का काम करते हैं। त्वचा के रोगों का इलाज करने के लिए भी कदंब का पेड़ किसी जादुई छड़ी से कम नहीं है। प्राचीन काल में त्वचा रोगों का उपचार करने के लिए इस पेड़ के अर्क का पेस्ट बनाकर इस्तेमाल किया जाता था। इस पौधे का अर्क एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है जो कई प्रकार के बैक्टीरिया से लड़ने में कारगर होता है। नियमित तौर पर इसका लेप लगाने से चेहरे पर निखार आता है, साथ ही दाग धब्बे और मुहासे खत्म हो जाते हैं। अगर आप लीवर की समस्या से ग्रस्त हैं तो ऐसे में आप कदंब के पेड़ का सहारा ले सकते हैं। शोध के मुताबिक कदंब के पेड़ में ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो लीवर के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए कदंब के फल व फूल का सेवन करें। कई अध्ययनों के अनुसार कदंब के पेड़ की पत्तियां, छाल और जड़ें ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में भी कारगर हैं। इस पेड़ के पत्ते में मेथनॉलिक अर्क होता है जो ब्लड शुगर लेवल को कम करने में बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा जिन माताओं का दूध कम आता है वह माताएं शतावर के चूर्ण के साथ कदंब के फल का चूर्ण मिलाकर इसका नियमित सेवन करें। इस उपाय को करने से आपके शिशु के लिए आपका दूध पर्याप्त मात्रा में होगा। कदंब के पेड़ में कैंसर रोधी गुण भी पाए जाते हैं। यह कैंसर जैसी भयावह बीमारी को दूर रखने व इसके संक्रमण को कम करने में सहायक होता है। यह शरीर में एंटी ट्यूमर जैसी गतिविधियां पैदा करता है जो शरीर में कैंसर कोशिकाओं को फैलने से रोकती हैं। साथ ही यह प्रोस्टेट कैंसर या पेट के कैंसर की संभावना को कम करने में कारगर होता है। ऐसे में इसके फूल व फल का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। कदंब के फूलों से बच्चों की पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखा जा सकता है। इसके लिए आप बच्चों को कदंब के फूल से निकले रस का सेवन करा सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक इसका उपयोग ज्वर की बीमारी में भी करते आए हैं, जहां आजकल सिकोना का प्रयोग होता है। ऐसी जगह पहले इसका उपयोग होता था। इसके लिए आप कदंब की छाल की मदद से काढ़ा तैयार करें। यह थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए आप चाहें तो इसमें शहद डालकर भी पी सकते हैं। तो दोस्तों, कदंब के सेवन की सही मात्रा व्यक्ति की उम्र और शारीरिक स्थिति पर निर्भर करती है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने डॉक्टर से उचित सलाह लें और उनके बताए गए निर्देशों के अनुसार ही इसकी खुराक का सेवन करें। कदंब का इस्तेमाल करना पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि अगर कोई इसका अधिक सेवन करता है तो यह पचने में अधिक समय ले सकता है, जिसकी वजह से कब्ज की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, अपने घर, आंगन, ऑफिस या पार्क की खाली जगह में कदंब के वृक्ष लगाएं और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ठंडी छांव, सुगंधित वातावरण तथा फायदेमंद औषधियों का लाभ उठाएं। मात्र कदंब वृक्ष के नीचे बैठने से ही मन को शांति और शीतलता प्रदान होती है। तो उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। आपने हमें पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।